भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो पहली रैंक पाने से चूक गए। उन्हें दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के हाथों हार मिली। 3 दिन तक चले फाइनल मुकाबले में 4 बाजियों के बाद नतीजा निकाला गया। 18 साल के प्रज्ञानंद ने शुरुआती दोनों बाजियों में 32 साल के कार्लसन को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों के बीच मंगलवार को पहली बाजी खेली गई, जो 34 चालों तक गई, मगर नतीजा नहीं निकल सका। दूसरी बाजी बुधवार को खेली गई, जिसमें दोनों के बीच 30 चालें चली गई और ये भी ड्रॉ रहा। शुरुआती दोनों बाजी ड्रॉ होने के बाद कल टाई ब्रेकर से नतीजा निकाला गया। टाई ब्रेकर के तहत प्रज्ञानंद और कार्लसन के बीच 2 बाजियां खेली गईं। दोनों के बीच पहला टाई ब्रेकर गेम 47 चाल तक गया। इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को शिकस्त मिली थी, मगर दूसरे गेम में उनसे उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ दमदार प्रदर्शन किया पर जीत ना सके। दूसरा टाई ब्रेकर गेम ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस तरह कार्लसन ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। प्रज्ञानंद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वो भारत के शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जाते हैं और महज 10 साल की उम्र में ही उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बनकर दिखाया। ऐसा करने वाले वो उस समय सबसे कम उम्र के थे। वहीं 12 साल की उम्र में प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बने और ऐसा करने वाले वो उस समय के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे।